चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल मीटर्स एक्सटेंड्स बाय स्मॉल एल मीटर्स व्हेन स्ट्रेच्ड बाय सस्पेंडिंग अ वेट एम जी टू इट, द मैकेनिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। ठीक है, देखो इसको बहुत सिंपल तरीके से समझो। अगर इस वायर की लेंथ है एल, कैपिटल एल, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बिल्कुल बीच में होगा, वो कंसिडर कर लेते हैं। तो L बाई टू, L बाई टू डिस्टेंस पे होगा दोनों तरफ से, दोनों एंड से L बाई टू, L बाई टू डिस्टेंस पे ये सेंटर ऑफ मास इसका होगा। अगर इसमें एक मास हैंग किया, कैपिटल M मास का ऑब्जेक्ट हैंग किया, तो यानी इस पे जो फोर्स लगाया ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से एम जी फोर्स लगा इस पे, ये डिफॉर्मिंग फोर्स कहा जाता है इसको। अब इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो गया होगा, कहाँ शिफ्ट हुआ होगा? पहले इस लेवल पे था, अब शिफ्ट होके एज्यूम करो यहां आ गया ओ डैश। तो लेंथ कितनी बढ़ी? लेंथ स्मॉल एल बढ़ी, पहले कितनी थी? कैपिटल एल, तो स्मॉल एल बढ़ गई। तो अगर टोटल लेंथ हो गई एल बाय एल प्लस कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल हो गई लेंथ, तो सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा? कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल बाय टू, यहां से मिड पे होगा, यहां से भी एल प्लस स्मॉल एल बाय टू। तो जो सेंटर ऑफ मास है वो शिफ्ट कितना हुआ है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? तो आंसर है स्मॉल एल बाय टू शिफ्ट हुआ, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है एल बाय टू। तो जितना सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हुआ है, यानी सेंटर ऑफ मास की पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज हुआ होगा, उतना ही इस वायर की, मेटेलिक वायर के अंदर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होगी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा? एम इंटू जी इंटू पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आया, लेंथ में कितना चेंज आया? एल बाई टू, तो एम इंटू जी इंटू एल बाई टू। तो ये ऑप्शन हुआ एम जी एल बाई टू, ये वाला ऑप्शन यानी सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना कि सेंटर ऑफ मास के पोटेंशियल एनर्जी में जितना चेंज होगा उतना ही इसके अंदर एनर्जी स्टोर होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।